जो शिष्य नम्र सादा आज्ञाकारी तथा गुरु के चरण कमलों के प्रति भक्ति भाव रखने वाला है उस पर गुरु कृपा उतरती है। गुरु के कार्य का एक साधन बनो। गुरु जब आपकी गलतियां बताएं तब केवल उनका कहा मानो। आपका कार्य उचित है ऐसा बचाव मत करो। जो गुरु विशेषज्ञ हो उनके मार्गदर्शन में आसन प्राणायाम ध्यान आदि सीखो। गुरु के आशीर्वाद का खजाना खोलने के लिए गुरु सेवा गुरु चाभी है। स्वामी राम लिखते हैं कि एक दिन मैं एक स्वामी जी से मिलने के लिए गया। उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई कि एक नव युवक व्यक्ति ने सन्यास की दीक्षा ली। दीक्षा के उपरांत उसके गुरुदेव ने कहा कि तुम तीन चीजों से बचने को बचना। वह थी स्वर्ण अर्थात धन, स्त्री और कीर्ति। एक दिन वह नवयुवक स्वामी ने नदी पार करते समय देखा कि नदी का एक तट पूर्णतया कटकर नदी में गिर गया है। पुनः उसने देखा कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा भूमि से बाहर दिखाई पड़ रहा है। उसने सोचा मुझे तो इस धन की आवश्यकता नहीं, किंतु यदि इससे एक मंदिर बन जाए तो अच्छा होगा। अतः उसने कुछ कारीगरों को बुलाकर उस संपत्ति को दिखाया और मंदिर बनाने को कहा। उन कारीगरों ने सोचा क्यों ना हम इस स्वामी को नदी में फेंक कर पूरा धन आपस में बांट लें। यह विचार कर उन लोगों ने उस नवयुवक स्वामी को नदी में ढकेल दिया। नदी में गिरने से वह स्वामी डूबकर इस प्रकार से मर ही चुका था कि ईश्वर ने उसकी रक्षा की। वह डूबते उतराते बहा जा रहा था कि लोगों ने उसे देखा और नदी से बाहर खींच कर निकाला। अब उस स्वामी ने निश्चय किया कि अब वह किसी भी परिस्थिति में धन को नहीं छुएगा। ऐसा संकल्प करके वह नवयुवक घनघोर जंगल में जाकर रहने लगा। यदि कोई उसे देखने आता तो वह कहता कि आप लोग कृपया दूर ही रहें, यदि आपके पास रुपया हो तो उसे दूर रखकर मेरे पास आए। एक दिन उस घनघोर जंगल में स्वामी का दर्शन करने के लिए एक नवयुवती स्त्री आई। स्वामी जी बोले तुम मेरे समीप मत आओ। वह स्त्री बोली स्वामी जी मैं आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डालना चाहती हूँ, मैं तो केवल भक्ति पूर्वक आपको थोड़ा भोजन देना चाहती हूँ। मैं प्रतिदिन यहीं पर भोजन रखकर चली जाया करूँगी। किंतु भोजन देने के प्रसंग में वह स्त्री प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा समीप आती गई। उस स्वामी जी को पूरा विश्वास था कि वह एक अच्छी स्त्री है और अपने मन में सोचने लगे कि यह स्त्री वस्तुतः मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ आती है तथा मुझसे आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहती है। एक दिन वह स्त्री जब स्वामी को भोजन देने के लिए आई तो उसके साथ एक बिल्ली भी आई, किंतु वह बिल्ली स्वामी जी वाला भोजन नहीं खाती थी। स्वामी जी को मन ही मन बहुत दुख हुआ कि कोई जीव उनके आसपास हो और भूखा हो। वह स्त्री तो भोजन देकर चली गई, किंतु वह बिल्ली स्वामी जी के आसपास ही चक्कर लगाती रही। दूसरे दिन जब वह स्त्री आई तो बिल्ली भी थोड़ा दूर आकर बैठ गई। स्वामी ने तो भोजन किया किंतु उस बिल्ली के लिए कोई भोजन न था। उन्हें मन ही मन बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस स्त्री से कहा कि उस बिल्ली के लिए भी प्रतिदिन थोड़ा दूध ले आया करो।
अब उस स्त्री ने दूध की जगह पर पूरी गाय ही ला दी। स्वामी ने पूछा, इस गाय की देखभाल कौन करेगा? वह स्त्री बोली, यदि आप आज्ञा दें तो मैं गाय को देखभाल कर दूंगी। इससे उस बिल्ली को भी दूध मिल जाएगा और आपको भी शुद्ध ताजा दूध मिला करेगा। स्वामी जी उस स्त्री से सहमत हो गए। अब वह स्वामी जी की खूब सेवा करने लगी। वह दोनों एक साथ रहने लगे और काल क्रम से वह स्त्री गर्भवती हुई और एक बालक पैदा हुआ। एक दिन जब वह स्वामी जी उस बच्चे के लालन पालन में व्यस्त थे, तब उनके गुरुदेव वहां पर पधारे। अरे, तुम्हें यह सब क्या हो गया? अपनी आसक्ति एवं सांसारिक बंधन का आभास होने पर वह नवयुवक स्वामी रोने लगे। वह उस स्थान को छोड़कर और भी गहन जंगलों में चले गए। वहां उन्होंने बड़ी तल्लीनता से साधना की और कुछ वर्षों में सिद्धियां प्राप्त कर ली। एक दिन उस जंगल के आसपास निवास करने वाले एक ग्रामीण को स्वामी जी के विषय में पता चला। वह स्वामी जी के पास आया और साष्टांग प्रणाम करके, स्वामी जी आप परम कृपालु हैं, उच्च कोटि के संत हैं, मैं बहुत ही निर्धन हूँ, मेरे बाल बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिलता, आप कृपा करके आशीर्वाद दीजिए, मेरी सहायता कीजिए। स्वामी जी का दिल पिघल गया और वह बोले, यह लो मेरी दाढ़ी का एक बाल, इसे ले जाकर अपने अन्न पात्र में रख दो, प्रातःकाल तुम्हारा अन्न पात्र रुपयों से भर जाएगा। वह घर आया और स्वामी जी के दाढ़ी के बाल को अपने अन्न पात्र में रख दिया। सुबह वह अन्न पात्र रुपयों से भर गया। उस ग्रामीण की पत्नी को महान आश्चर्य हुआ। वह ग्रामीण इस रहस्य को छिपा न सका। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई कि इस प्रकार उसने एक महान सिद्ध संत का दर्शन किया और उन सिद्ध संत ने उसको अपनी दाढ़ी का एक बाल दिया। वह स्त्री भी इस रहस्य को पचा न सकी। उसने जाकर अन्य लोगों को भी यह सारी बातें बता दी। शीघ्र ही यह समाचार चारों ओर फैल गया। सैकड़ों लोग स्वामी जी की दाढ़ी से एक एक बाल उखाड़ने के लिए चल पड़े। थोड़ी ही देर में स्वामी जी का मुख रक्त रंजित होकर फूल गया। अब उनको और भी दूर जाकर अपनी साधना शुरू करनी पड़ी। इससे उनको कीर्ति विषयक शिक्षा मिली और उन्हें पता चला कि क्रमशः स्वर्ण अर्थात धन, स्त्री और कीर्ति के चक्कर में फंस जाने का क्या परिणाम होता है। जो स्वामी जी मुझे यह कथा सुना रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इस कथा से तुमको शिक्षा लेनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। ईश्वर करे यह कहानी तुम्हारे लिए एक अविस्मरणीय शिक्षा बन जाए। तुम अपने आप को संभालो, तुम अपने आप को संयमित करो, स्वयं साधना में बढ़ो और अन्य साधकों को भी तुम प्रेरणा दे सको, यही तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है।